बच्चों पे हाथ उठाने में बड़ा मजा आता है ना, तो अब हाथ उठेगा, लेकिन इस बार मजा बच्चों को आएगा। हे नटखट परी, सिखाना है सबक इन सबको, इसलिए मारने लगे ये थप्पड़ खुद को। माफ कर दूं? ठीक है, माफ कर देता हूँ। हे नटखट परी, बुद्धू बन गया अकलमंद, इसलिए जादू हो जाए बंद। अरे रुक गया। अच्छा हुआ जादू रुक गया। बालवीर हाँ, हम चाहते हैं। अरे रुको रुको, इतने में क्या जल्दी है, तुम्हारी सजा तो अभी बाकी है। हे गाल परी, हमेशा की तरह बुराई हारे, इन गुंडों को पहुंचा दे पुलिस थाने अपने गुब्बारों के सहारे। बालवीर, अब हम पढ़ पाएंगे। हाँ। ये लो बच्चों, जो भी बच्चा पढ़ाई करेगा और मेहनत करेगा, बालवीर उन्हें ऐसे ही तोहफे देते रहेगा। बच्चों अब जाओ और पढ़ाई करो, तुम्हें पढ़ाई करने से कोई नहीं रोकेगा। शुक्रिया बालवीर। हाँ हमेशा हमेशा कर देता है पूरा मजा किरकिराए बालवीर। अब घर जाता हूँ, वरना घर वाले चिंतित हो जाएंगे। अभी भाग जाता हूँ यहाँ से, वरना अगर देख लिया इसने मुझे तो होगी मेरी बारी अगली सजा पाने की। बालवीर और बल्लू, बालवीर बल्लू, बल्लू बालवीर। ये खबर तो बालवीर बहुत खुश होगी परी भयंकर, जब पता चलेगा उन्हें है रहता उनका चहेता दुश्मन बालवीर पृथ्वी लोक पर मामूली बल्लू बनकर। उठा लो मुझे। कैसे हो तुम दोनों? अरे ये क्यों आई यहाँ पे? क्या कहा? ये कैसे आई यहाँ पे? अरे डिब्बे से। आपको कोई प्रॉब्लम है? हाँ नहीं माफ ही ना। अरे भारती तो बताती तो हम तुम्हें स्टेशन पर लेने आ जाते। स्मिता कैसे बताती, मालगाड़ी का स्टेशन पे आने का वक्त फिक्स थोड़ी होता है।
मतलब इतने बड़े वैसे बॉक्से में आई है तो मुझे लगा वहां लड़ना है। वैसे भारती, रेलवे वालों ने तुम्हें सीट नहीं दी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वापस कब जा रही हो? पापा, अभी अभी तो आई है भारती मासी, और आप अभी से पूछ रहे हैं कि कब जा रहे हो। हाँ, अभी भारती मासी तो पूरा एक महीना रुकेंगी। हाँ। क्या? मतलब क्या बात है? क्या बात है? ऐसा वाला वो क्या था? एक महीना। दीदी, लगता है जीजू मेरे आने की खुशी से पागल हो गए हैं, है ना जीजा जी? क्या? देखो ना कैसे खुशी से लाल हो गए। चश्मा तुम्हारे पास कैसे आया? चश्मा तुम्हारे पास कैसे आया? क्या जीजू, सब जीजा अपनी साली की इतनी खबर रखते हैं, आप तो भूल ही जाते हो कि आपकी साली भारती एक जादूगर है। हटिए। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। मैं बहुत ज्यादा सुखी हूँ, ये आपकी किताब। मेरी जोक्स नहीं बोल। दीदी, अब मैं एक महीना रुकूंगी। बहुत अच्छे ना, ये लो तुम्हारा लाइटर, जाके खाना बनाओ, बनाते वक्त भी ऐसे ही होगा। चलो 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 मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं एक महीना यहाँ पर हूँ, खूब मस्ती करेंगे। ये लो तुम्हारी सर दर्द की गोली। हाँ? और ये तुम्हारी पायल। वाह भारती मासी, क्या जादू है। लेकिन भारती मासी, आपने ये कैसे किया, हमें भी बताओ ना। हाँ? कैसे किया? तुम्हें पता है, जादूगर कोई भी अपने मैजिक ट्रिक्स नहीं बताता, समझे? वैसे भारती, अचानक कैसे आ गई? हाँ, बता दिया होता तो हम लोग घूमने चले जाते। हाँ? घूम के वापस आ जाते। एक्चुअली दीदी, सारा भाई हॉल में ना मेरा जादू का शो है, मैजिक शो। ओह, अरे वाह, मैजिक शो। वैसे आप मेरे लिए क्या लिखेंगे? ये लो सीटी, अब अपने मोटा भाई के कान में जोर जोर से बजाओ और उनको बताओ कि तुम कितने टैलेंटेड हो। माँ, माँ, ये कब हुआ? कौन है ये? ये तो बल्लू लल्लू है। बल्लू लल्लू? बल्लू, मैं भारती हूँ। चमत्कार करने वाली भारती मौसी? अरे बेटा, ये चमत्कार कुछ नहीं होता, हाथ की सफाई होती है बस। चमत्कार होता है मासी? हमारा बालवीर तो करता है चमत्कार। अरे वो सब छोड़, पहले बता तू कैसी है? क्या कैसी हो, दिख नहीं रहा माँ, इसे फल फूल रही है। बेटा एक बात बोलू, पापा को चश्मे के साथ भी दिखाई नहीं दे रहा। फल किधर है, सिर्फ फूल रही हूँ। ये लो, ये भारती में से लल्ली बन गई, अभी ये कुछ भी करेगी। मेरा खेलने का मन लग रहा है, तो खेलू। हाँ, घोड़ा घोड़ा खेले अंकल। क्या? आप घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर ऐसे बैठूंगी, फिर आप मेरे को पूरे घर की सैर कराना, ठीक है? चलो ना अंकल, चलो। अरे ये घोड़ा नहीं है, गधा है। हाँ, नहीं नहीं,
है बेटा छोड़ दे। कदा बोला माँ ये क्या हो गया भारती मौसी को? अरे बेटा भारती को पहले से ऐसे दौरे पड़ते हैं, कभी कभी अपने बचपन में चली जाती है और लल्ली बन जाती है। मासी अरे अरे लल्ली उठ जा बेटा। सब तो ठीक है। मेरा मतलब है कि मैं तो मौसी को कह रहा था, उन्होंने हमें जादू दिखाया, पर और जादू कब दिखाओगे? शाम को मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम सबका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। कैसी हो परी भयंकर? सोच रही होगी आपकी मिला होगा कि नहीं आपका जादुई दंड उन नकारा नाराज ताराज परी को। है नहीं किसी काम की वो निकम्मी परिया। इतनी बेइज्जती करके तुम्हें यहाँ से निकाला था, तुम फिर भी बेशर्मों की तरह यहाँ चले आए। यही फर्क उनमें और तोबा तोबा में, पर समझेंगी नहीं आप। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अरे हिम्मत का है दूसरा नाम तोबा तोबा। बस डरता है वो आपसे, वरना वरना खैर जाने दो। तो जाओ यहाँ से, किसने रोका है? वो लाया मैं खुश खबरी से भी अच्छी खबर से कई गुना शानदार खबर आपके लिए। तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए खुशखबरी नहीं है बल्कि बुरी खबर है। अच्छा है ठीक, अगर नहीं सुननी आपको बालवीर के बारे में खबर तो। बालवीर की खबर? क्या खबर है? अब आई लोमड़ी चाल। क्या मतलब इतनी बड़ी खुशखबरी दूं मैं इतनी आसानी से? नहीं परी भयंकर नहीं, मांगी है पहले माफी अपनी उस गलती की जो की थी आपने मुझे यहाँ से इस भयानक लोक से निकालने की। तौबा तौबा, ठीक कहा तुमने, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें यहाँ से निकाल। मुझे तो तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। नहीं 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 परी भयंकर, है कसम मुझे मेरी प्रधान की कुर्सी की है खबर ऐसी कि पूरा भयानक लोक हिला दे। क्या खबर है जल्दी बताओ। हाँ हाँ बताता हूँ। पहले कहिए कि हूँ मैं वीर शक्तिशाली बलशाली महान योद्धा श्री श्री तोबा तोबा। नहीं हाथ पीछे, चलो आइए। तौबा तौबा, तुम महान हो, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा वीर कहीं नहीं। अब बताओ। बहुत खूब, अब बोलिए। तौबा तौबा, आपकी अकलमंदी का तो कोई जवाब नहीं, आपके जैसा होशियार तो तीनों लोकों में कोई नहीं। बोलिए। तौबा तौबा, तुम जैसा होशियार और अकलमंद इस पूरे जहान में कोई नहीं। अब बताओ जल्दी। और तारीफ तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ। बताओ नहीं तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दोगे। पता था
सुन के ये खबर बिठा के रखोगी आप मुझे अपनी पलकों पर? है पता चल गया मुझे बालवीर का राज। हाँ, है पता चल गया मुझे कि है रहता बालवीर पृथ्वी लोक पर बन के बल्लू। क्या? बल्लू और बालवीर, ये वही बल्लू है ना जिसके बारे में तुमने कहा था कि उसके पास असाधारण शक्तियां हैं? हाँ। और वो बात गलत निकली थी? इस बार कीजिए मेरा विश्वास परी भयंकर, इस बार मैंने देखा है स्वयं बालवीर को बल्लू में बदलते हुए। तो ये है तुम्हारी असलियत बालवीर। भारती मासी हमें दिखाएंगी मैजिक ट्रिक नंबर टू। लो बच्चों, आपकी भारती मासी एक बार फिर से आ गई आपको नया जादू सिखाने। ये क्या है? कप। और ये पानी। हमारा जादू। अब मैं बताऊंगी ये जादू कैसे किया। एक कप लीजिए, उसके अंदर पहले से ही टिश्यू पेपर रखिए, उसके बाद एक आइस क्यूब उसमें डाल दीजिए, फिर ऐसे करके पानी डालिए, उसको ऐसे घुमाइए, हो गया हमारा कप वाला जादू। देखा बच्चों कैसे हुआ ये जादू? आप घर में प्रैक्टिस करके जरूर देखना।